तो और भाई क्या हाल चाल, कैसे हो सर? तो भाई फाइनली बहुत दिनों के बाद ऐसा एक लॉबी मिला जिसके अंदर भाई हैकर्स नहीं है। तो भाई फिलहाल इसीलिए मैं थोड़ा एग्रेसिव खेल रहा था, इसलिए मैं जो है बेस में आ जाता हूँ लूट करने के लिए। और भाई इधर जो है मेरे से पहले एक बंदा आके भाई लूट कर रहा था और भाई सी बिल्डिंग के अंदर कैम करना चालू कर देता है। तो भाई फिलहाल इस बंदे को तो मैं इधर बहुत आराम से मार दूंगा, लेकिन भाई आप लोग अगर चैनल में न्यू आए तो भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी जरूर कर देना। फिलहाल भाई मैं जैसे ही इधर आता हूँ तो बंदा मुझे फुल स्टेप दे देता है, और बंदे के फुटस्टेप सुनते ही मैं जो है इधर बाहर से इस बंदे को मारने का ट्राई करता हूँ। तो भाई देखो इस बंदे को इधर कैसे मारता हूँ। तो भाई ये जो बंदा था भाई मॉली में जल के मर चुका है। और भाई फिलहाल आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि भाई आपकी लॉबी में भाई हैकर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि भाई मुझे तो हैकर्स मिल रहा है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं जो कि भाई एक वीक पहले था। मतलब एक वीक पहले तो भाई हर गेम में हैकर आता था, वो भी भाई 20 से 30 हैकर, मतलब भाई अनएक्सपेक्टेड हैकर आता था। फिलहाल अब जो है भाई 2-4 हैकर कम आ रहा है, मतलब भाई अभी मुश्किल से 1-2 हैकर ही आ रहा है, लेकिन भाई इन लोगों की भी जल्दी से जल्दी बैन लगना चाहिए। तो भाई फिलहाल इन लोगों को बैन नहीं हो रहा। फिलहाल आप लोग क्या बोलते हो भाई कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोगों की लॉबी में हैकर्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, क्योंकि मैं जो है अभी सुबह एक गेम खेला था उसमें भाई एक बंदा आता है जो कि भाई 30 किल करके ले जाता है। तो भाई फिलहाल आप लोग बताना कि हैकर्स आता है कि नहीं आता है। फिलहाल भाई इधर एक बॉट आता है जिसको मैं मार देता हूँ, और इसको मारने के बाद मैं थोड़ी देर और लूट वट करके इधर से निकल जाता हूँ, क्योंकि मेरे पास एक फ्लेयर गन रहता है और मैं जो है फ्लेयर गन थोड़ा आगे जाके चलाता हूँ। लेकिन भाई उधर पहले से ही 2 बंदे थे जो कि मुझे नहीं पता था, लेकिन मैं जो है दोनों को ही मार देता हूँ। एक बंदे का कोई भी पोजिशन नहीं था, क्योंकि भाई एक ही जगह पर बहुत ही छोटा सा जगह है, उधर 2 बंदे भाई अनएक्सपेक्टेड था। तो भाई फिलहाल मैं जो है अपना गाड़ी उठा के सीधा आ जाता हूँ इधर फ्लेयर मारने के लिए, और आते ही एक बंदा स्पॉट होता है और भाई सेकंड बंदा जो है कैम कर रहा था। तो भाई देखो सेकंड बंदे को कैसे मारता हूँ, पहले तो इधर फर्स्ट बंदे को मारता हूँ। तो भाई इधर जो है फर्स्ट बंदे को मार देता हूँ, लेकिन भाई जो सेकंड बंदा होता है भाई वो एकदम कैम करना चालू कर देता है, और मैं जो है ओपन में इस बंदे के डिब्बा लूटने के लिए जा रहा था और वो बंदा एकदम से मेरे ऊपर फायर करना चालू कर देता है। तो भाई इस बंदे को मैं जैसे तैसे मारता हूँ, तो भाई देखो इधर क्या सीन होता है। तो भाई इस बंदे को जिस तरीके से मारा अगर देखकर पसंद आया तो भाई लाइक जरूर कर देना और भाई चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। फिलहाल भाई इधर इस बंदे को मैं मार देता हूँ और इसका डिब्बा भी मैं लूट लेता हूँ। उतने में भाई साइड से एक और बॉट आ जाता है जिसको भी मैं निपटा देता हूँ। तो भाई इधर हो चुका था क्लियर, और भाई फ्लेयर से भाई मंगा लिया था एकदम BRDM। तो भाई BRDM लेके जैसे ही निकला तो भाई ब्रिज में एक बंदा आके मेरा BRDM देख के रुक जाता है। वो बंदा भी इस तरफ ही लूट करके जा रहा था उस तरफ, और मेरा BRDM जैसे ही देखता है वो रुक जाता है मेरा BRDM फोड़ने के लिए। लेकिन भाई मैं जो है उसके क्लोज में जाकर एकदम BRDM लगा देता हूँ, और देखो इस बंदे को किस तरीके से निपटाता हूँ। तो भाई फाइनली इस बंदे को भी जो इधर निपटा देता हूँ, और इस बंदे को निपटाने के बाद मैं जो है अपना BRDM उठा के सीधा निकल जाता हूँ। लेकिन भाई जैसे ही जोन में जाता हूँ मेरा BRDM के साथ एक हादसा हो जाता है, और मेरा जो ओल्ड व्यूअर्स है उनको पता ही होगा कि मेरे BRDM के साथ बहुत ही ज़्यादा पंगा चलता रहता है। तो भाई देखो इधर जैसे ही मैं BRDM लेकर पोचिंग के से निकल रहा था तो भाई मेरे BRDM इधर अटक ही जाता है, और भाई इसको किसी तरह निकलने के लिए बहुत ही ट्राई करता हूँ। मैं गाड़ी लेकर आके भाई इसको ठोक रहा था गाड़ी से, लेकिन फिर भी ये जो है BRDM एकदम अटक ही जाता है। फिलहाल आप लोगों के साथ ऐसा होता है कि नहीं भाई कमेंट में ज़रूर बताना, और एक सीन भाई आप लोग जरूर बताना कि आप लोगों को प्लस किस तरीके से दे रहा है, क्योंकि मुझे जो है बहुत ही कम प्लस दे रहा है। फिलहाल आप लोग बताना कि प्लस किस तरीके से मिल रहा है, क्योंकि भाई जब से बैन स्टार्ट हुआ है उसके बाद से भाई प्लस भी कम हो गया, अभी प्लस भी कम दे रहा है हर एक मैच में। तो भाई आप लोग भी बताना कि आप लोगों के साथ ऐसा सीन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिलहाल जो है मैं गाड़ी से ठोक ठाक के इधर निकलने का बहुत ही ट्राई करता हूँ BRDM को, लेकिन नहीं निकलता BRDM किसी तरह से भी।
वो एकदम ही अटक चुका है और मैं समझ चुका हूँ कि बीआरडी अब नहीं निकलेगा। लेकिन फिर भी मैं जो है अपना बेस्ट ट्राई कर रहा था कि किसी तरह इसको निकाल लूँ, लेकिन भाई नहीं निकल रहा। लेकिन भाई उतने में एक फ़ायदा हो जाता है कि मैं इधर ठोक ठाक के किसी तरह निकलने का ट्राई करता हूँ, लेकिन उतने में एक बंदा आता है जो कि भाई जोन के बाहर से आता है, उसका एज भी एकदम ही लो था और वो बंदा भाई एकदम ही जोन के बाहर मेरे सामने से जा रहा था और उसको किसी तरह एक गोली चिपका देता और बंदा निपट जाता। तो भाई देखो सीन क्या होता है इधर। तो भाई ये जो बंदा था भाई काफ़ी देर तक भाई जोन के बाहर लूट रहा था ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि भाई इस तरीके से इतने देर बाद भाई लेट रोटेशन, तो मेरे तो भाई इधर मेरा पंगा हो जाता है इस वजह से मैं जो है लेट रोटेशन ले रहा था। लेकिन ये बंदा जो है भाई ये बंदा जोन के बाहर ही सर्वाइव कर रहा था, लेकिन भाई मेरे सामने से जा रहा था इस वजह से इस बंदे को भाई इधर निपटा देता हूं। भाई इधर मैं अपना बीआरडीएम को छोड़ के अपना डार से उठा के इधर से निकल जाता हूं, क्योंकि भाई बीआरडीएम तो अब निकलने से रहा, तो भाई इसलिए मैं अपना डार से उठा के सीधा आ जाता हूं इधर। और भाई इधर मेरा जो है डार्सिया का फ्यूल कम हो जाता है, इस वजह से मैं जो है सामने से बागे उठा लेता हूँ और बागे उठा के भाई जोन के अंदर एक पोजीशन ढूंढ रहा था। लेकिन भाई जोन के अंदर कोई भी पोजीशन नहीं दिखता है, लेकिन भाई एक सैक दिखता है और भाई सैक के अंदर जैसे ही जाता हूँ ना कोई गाड़ी था ना कुछ था, देखना भाई क्या सीन होता है उधर। जैसे ही जाता हूँ भाई क्या ही बोलो इतना बुरी किस्मत, मतलब भाई सैक के अंदर एक बंदा एकदम इतनी बुरी तरीके से कैम्प कर रहा था, ना बूस्टर दे रहा था ना कुछ दे रहा था, उसके सामने से मैं गाड़ी घुमा रहा था जिसकी वजह से भाई मुझे पता चले कि बंदा अगर होगा तो मेरे ऊपर फायर करेगा बाहर निकलेंगे। लेकिन भाई फिर भी ये बंदा बाहर नहीं निकला और भाई सैक के अंदर ही बैठा रहा, तो भाई इस वजह से देखो इधर क्या सीन हो जाता है। तो भाई इस बंदे के पास रहता है भाई वेक्टर, और भाई वेक्टर के साथ भाई क्लोज रेंज में तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इस बंदे को भाई लगभग ले ही चुका था, मतलब इस बंदे का नई पोजीशन पता था, तो भाई इस वजह से इसके फ्री फायर में आ जाता हुआ और ये बंदा मुझे बहुत ही आराम से मार देता है। फिलहाल तो भाई गेम प्ले आज के लिए इतना ही, और भाई चैनल में नहीं आया तो भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और भाई वीडियो को भी लाइक कर देना। फिलहाल मिलता हूँ इस गेम प्ले लेकर वापस। I want to reach 1,000,000 likes. So please sarapakara. Okay, thank you.